बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पेज नंबर 50 पे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है अज़ान के चैप्टर के। इन शॉर्ट क्वेश्चन के मैं आप लोगों को आंसर मार्क करवाऊंगी रीडिंग बुक पे, आपने इनके आंसर नोटबुक पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अज़ान का मानी और मफहूम बयान करें, यानी अज़ान का मानी और मफहूम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 47 पे, ये है अज़ान का मानी और मफहूम। अज़ान का लफ्ज़ी मानी है ऐलान करना और इतला देना। नमाज का वक्त होने पर अरबी ज़ुबान के चंद मखसूस कलमात बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं, इन कलमात को अज़ान कहा जाता है। यह है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, किन दो सहाबा ने ख्वाब में अज़ान सुनी। हमने रीडिंग में पढ़ा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 47 पे है। ये दो सहाबा के नाम हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद और दूसरे साहबी हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान का जवाब कैसे देते थे। इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का पेज नंबर 49 पे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़ान सुनते तो मौज़न के अल्फाज को साथ साथ दोहराते जाते, और जब मौज़न हय्याल सलाह और हय्याल फलाह के अल्फाज कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते। यानी इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान का जवाब देते थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, अज़ान के बाद की दुआ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। यानी कि अज़ान सुनने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसकी फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। पेज नंबर 49 पे इसका आंसर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अज़ान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ी वो क़यामत के दिन मेरी शफात का हकदार बन जाएगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अज़ान देने के सवाब के बारे में एक हदीस का तर्जमा लिखें। यानी अज़ान देने का किस कदर सवाब है, इसकी फजीलत में हदीस का एक तर्जमा लिखना है। पेज नंबर 48 पे इसका आंसर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर लोगों को अज़ान देने और पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो वो इसके लिए कुरा अंदाजी किया करेंगे। यानी कि अज़ान देना और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना इस कदर फजीलत है इसकी कि अगर लोगों को इसकी फजीलत का इल्म हो जाए तो वो कुरा अंदाजी करेंगे कि कौन अज़ान देगा और कौन पहली सफ़ में खड़ा होगा। ये हैं 5 क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के। आपने इनको नोटबुक पर लिखना भी और इनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी तरह से करनी है। अल्लाह हाफिज़।